नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि Realme कंपनी ने मार्च में अपने दो नए स्मार्टफोन Realme 6 और Realme 6 Pro को लॉन्च किया था। तो दोस्तों, उसी सीरीज की सक्सेस को देखते हुए Realme कंपनी ने अपने दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है दोस्तों Realme 7 और Realme 7 Pro। दोस्तों, यह दोनों स्मार्टफोन भी देखने में और स्पेसिफिकेशन में बहुत ही बढ़िया और अच्छी स्पेसिफिकेशन के हैं और इनमें आपको बढ़िया और अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम Realme 6 Pro स्मार्टफोन का कंपैरिजन Realme 7 Pro स्मार्टफोन के साथ करेंगे और बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा और कौन से स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी एक बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आप भी Realme कंपनी के फैन हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों Realme 6 Pro स्मार्टफोन में आपको 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ 6.6 इंच की IPS LCD कंसोल डिस्प्ले दी गई थी, जबकि दोस्तों Realme 7 Pro स्मार्टफोन में आपको 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ 6.6 इंच की सुपर एमोलेड कंसोल डिस्प्ले दी गई है। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन में से डिस्प्ले के मामले में Realme 7 Pro स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। और दोस्तों, यदि बात करें दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 720 का चिपसेट दिया गया है। और दोस्तों, ग्राफिक के लिए इन दोनों स्मार्टफोन में ही आपको एड्रीनो 618 का GPU देखने को मिलता है। और दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज के बारे में, तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 6GB और 8GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसे आप दोस्तों मेमोरी कार्ड द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP और प्लस 2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। और दोस्तों, यदि Realme 6 Pro स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की बात करें, तो दोस्तों इसमें आपको 16 MP प्लस 8 MP का ड्यूअल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि दोस्तों Realme 7 Pro स्मार्टफोन में आपको 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन में कैमरे के मामले में भी Realme 7 Pro स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें सेल्फी के लिए आपको 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। और दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो दोस्तों Realme 6 Pro स्मार्टफोन में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको 30 W का फास्ट चार्जर दिया गया है, जबकि दोस्तों Realme 7 Pro स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है और दोस्तों इसके साथ आपको 65 W का फास्ट चार्जर दिया गया है। और दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन में आपको USB टाइप सी दिया गया है। और दोस्तों, यह दोनों स्मार्टफोन 4G 3G के साथ 2G को भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के सेंसर के बारे में, तो दोस्तों Realme 6 Pro स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जबकि दोस्तों Realme 7 Pro स्मार्टफोन में आपको ऑन स्क्रीन यानी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो थे इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन। और दोस्तों, यदि बात करें कि इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, यदि बात करें Realme 6 Pro स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो दोस्तों इसका प्राइस इंडियन मार्केट के अनुसार 17,999 रुपये रखा गया है, जबकि दोस्तों Realme 7 Pro स्मार्टफोन का प्राइस इंडियन मार्केट के अनुसार 19,999 रुपये रखा गया है। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों यदि आप बढ़िया कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो आप Realme 7 Pro स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। वैसे दोस्तों, यदि आपको Realme 6 Pro स्मार्टफोन पसंद है, तो आप यह स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको Realme 7 Pro स्मार्टफोन जैसे ही फीचर्स और स्पेसिफिकेशन दी गई है। बस दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कुछ ही स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी दोस्तों सभी स्पेसिफिकेशन इन दोनों स्मार्टफोन में सेम ही दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप इसी तरह की फोन से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।